बचपन में ही मोहन के पिताजी की एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। अब वो और उसकी माँ एक गांव के छोटे से घर में रहते हैं। उनके पास जायदाद के नाम पर 2 बीघा जमीन थी और उसकी माँ भी बहुत बीमार रहती थी। इतना पैसा बचाने के बाद भी माँ के इलाज का पैसा नहीं जमा कर पा रहा। हेलो गाइज, आपने अभी ये स्टार्टिंग में वीडियो देखा, ये मैंने मेरे मोबाइल से ये क्रिएट किया है। यदि आप भी ऐसा वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी किसी ऐप को डाउनलोड किए बिना, तो आज इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। यह वीडियो आपने अभी देखा स्टार्टिंग में, ये आज यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर वीडियो है और कार्टून वीडियो है, इसलिए इसको बच्चे बहुत ज़्यादा देखते हैं। चलिए मैं आपको इस पे व्यूज़ भी बताता हूँ कि इस वीडियो पे व्यूज़ कितना आता है, तो आप यकीन करोगे कि वास्तव में ये पॉपुलर कॉन्टेंट है या नहीं है। आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब पर जाना है, इस यूट्यूब पर आपको अपने सबसे पहले जाना है। मैं आपको YouTube पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद आपको ऊपर ही सर्च करना है हिंदी कार्टून स्टोरी करोगे तो देखिए बहुत सारी स्टोरीज कार्टून वीडियो आ जाती हैं। किसी एक चैनल का मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन कोई भी चैनल का आ जाएगा, आप व्यूज़ देख सकते हैं। ये एक दिन हुआ है अपलोड किए हुए, एक दिन हुआ है और कितने व्यूज़ आए आप देख सकते हैं। ये वीडियो भी है आपके सामने, आप देख सकते हैं कैसा वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं 2.5 लाख व्यूज आए हैं एक दिन में 2.5 लाख व्यूज आए हैं। आप देख सकते हैं कितना पॉपुलर कंटेंट है। तो आपको क्या करना है, आपको कोई एप्लीकेशन की डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको बताता है कि क्रोमाटून में ज़्यादातर कार्टून वीडियो बनते हैं, कोई अदर ऐप में बनते हैं, लेकिन आज आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले या कोने में आपको 3 डॉट दिख रहा होगा, यह 3 डॉट दिख रहा है आपको, इस पे जाना है और ये सर्च फिल्टर, और यहाँ पर जाने के बाद या ऑल लिखा हुआ है, इस पर टैप करना है। यहाँ पर टैप करने के बाद यहाँ पर इस वीडियो पर टैप कर देना, और वीडियो पर टैप करने के बाद एक और ऑप्शन है क्रिएटिव कॉमन्स, इस पर आपको टैप करके या अप्लाई पे टैप कर देना है। अप्लाई पे टैप करोगे तो आपके सामने ये वीडियो बहुत आ जाएगी। इस वीडियो को क्या करना है, आपको डाउनलोड नहीं करना है, इस वीडियो पे आपको जाना है बाहर आती है और आपको अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, या किसी के मोबाइल में भी यह ऑप्शन आता है स्क्रीन रिकॉर्ड का, उससे आपको इस वीडियो को जितना लॉन्ग बनाना है आपको वीडियो को, उतना आपको रिकॉर्ड कर देना है। मैंने इस वीडियो को मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड से रिकॉर्ड कर दिया। आपको भी इस प्रकार से किसान के हाथ में आपको भी इस प्रकार से अपने वीडियो को स्टार्ट करके क्वालिटी आपको यहाँ जाने के बाद या क्वालिटी पे जाके एडवांस पे जाके यहाँ से हाई क्वालिटी कर देनी है, और फिर इस वीडियो को आपको रिकॉर्ड कर देना है। 2-4 मिनट का वीडियो को आपको रिकॉर्ड कर देना है। रिकॉर्ड करने के बाद, रिकॉर्ड यदि आप नहीं करना चाहते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं सीधा, तो उस वीडियो को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई दोरा नहीं होगा। मैं आपको ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिससे आपका कॉपीराइट भी नहीं आएगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं नीचे ये लिखा हुआ है क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन लाइसेंस यूज अलाउड, इसको आप दोबारा व्यूज़ के लिए वीडियो को अपलोड यूट्यूब पे कर सकते हैं, ये लिखा हुआ भी है आप देख सकते हैं। इसलिए मैं आपको इतना एडिट करके दूंगा कि सिखाऊंगा कि आपके इसमें कॉपीराइट भी नहीं आएगा। तो आपको इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है, मैं डाउनलोड करने का बताऊंगा नहीं, क्योंकि 24 घंटों के अंदर ने स्ट्राइक भेज देता है यूट्यूब, इसलिए यूट्यूब के खिलाफ है डाउनलोड करना। इसलिए आपको स्क्रीन रिकॉर्ड ही कर देना, डाउनलोड करना नहीं आता है तो फिर आपको यहाँ से बाहर आ जाना है। अब मैं आपको सिखाऊंगा एडिट करना, एडिट किस ऐप से करना है वो मैं बताऊंगा। तब तक आपको क्या करना है, प्लीज़ दोस्तों मेरी चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, ये मेरे लिए आपका सपोर्ट रहेगा। ये सपोर्ट क्या आपको मेरे लिए करना, वो है एक चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक, ये दो कर देना है आपको। इसलिए जल्दी दोस्तों आपको जाके मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है पहले, फिर आज मैं आपको सिखाऊंगा काइन मास्टर में वीडियो को एडिट करना। ये रहा हमारा काइन मास्टर, चलिए मैं काइन मास्टर को ओपन करता हूँ। तब तक
आपने अभी भी मेरे चैनल पे आप पहली बार हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, या से ऐड को में कट कर देना है। और आपको क्रिएट न्यू ये लिखा हुआ है, इस पर आपको टैप कर देना है। अब 16:9 का रेशियो सेलेक्ट करना है। यदि आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं 9:16 का, तो 16:9 का रेशियो सेलेक्ट हो गया है, क्रिएट पे टैप कर देना है और अपनी ऐड आती उसको कट कर देना है। अब आपको सबसे पहले आपने जो वीडियो डाउनलोड किया है तो डाउनलोड किए हुए वीडियो को ले लेना है, यदि आपने स्क्रीन रिकॉर्ड किया है तो स्क्रीन रिकॉर्ड वाले वीडियो को यहाँ पे ले आना है। देखिए मैंने वीडियो को यहाँ पे ला लिया, मीडिया पे जाना, एक्स रिकॉर्ड और वीडियो को यहाँ पे शो करा देना है। देखिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया था, मैंने डाउनलोड नहीं किया है, क्योंकि डाउनलोड आपको करना नहीं आता तो कोई बात नहीं है, आपको स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर देना है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो होता है तो MB ज़्यादा खाता है, MB ज़्यादा यूज होती है, इसलिए हमें स्क्रीन रिकॉर्ड ही कर देना है। अब आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट इसमें सेटिंग क्या है वो क्या करना है आपको, तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद यहाँ से स्टार्ट होता तो यहाँ पे आके इसको आगे वाले भाग को मैं कट कर देना है। यहाँ से स्ट्रीम स्प्लिट पे जाना है और यहाँ पे ट्रिम लेफ्ट कर देना है। आगे का फालतू पार्ट था उसको आपको ट्रिम स्प्लिट पे जाके कट कर देना है। अब आपको क्या करना है, अब इसको स्टार्ट करना पहले। अब आपको सबसे पहले, क्योंकि हमने ये स्क्रीन रिकॉर्ड से रिकॉर्ड किया था इसलिए इसकी ये जूम है तो इसको छोटा है, इसलिए आपको इसको जूम करना है। जूम करने के लिए इस पर टैप करना है और यह नीचे लिखा हुआ आएगा पेन जूम, ये लिखा हुआ है, इस पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद दोनों उंगलियों से इस प्रकार से आपको इसको बड़ा कर देना है, इस प्रकार से। और बड़ा करने के बाद दो लाइन पे टैप कर देना ताकि दोबारा से जूम न हो जाए, छोटा न हो जाए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कहीं पे लोगो चैनल का आ रहा है, तो उस लोगो को भी आपको हटा देना है। हटाना कैसे, उससे आपको इस प्रकार से जूम कर देना है तो उसका लोगो हट जाएगा। अब हम इस बार अब की बार स्टार्ट करते हैं। किसान अपने खेतों की तरफ जा रहा है, देखिए तभी उसे एक गड्ढे में से आवाज आती है। अरे ये कैसी आवाज है, लगता है कोई कुत्ते का बच्चा है, मुसीबत में है, मुझे इसे बचाना नहीं। अब आपको क्या करना, देखते हुए आपको जाना है, और लास्ट का फालतू भाग है उसे हम हटा देंगे। यहाँ से पीछे का भाग फालतू है, इस पर टैप करना है, ट्रिम स्प्लिट और ट्रिम राइट कर देना है। मैंने ये लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया, मैंने छोटा वीडियो बना के केवल आपको समझाया है, इसलिए आपको लॉन्ग वीडियो बनाना है तो भी आप इस प्रकार से बना सकते हैं, इसमें कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। इतना तगड़ा मैं आपको वीडियो को क्रिएट कराऊँगा, वीडियो में बहुत सारे इफेक्ट वगैरह यूज़ कराऊंगा जिससे वीडियो में कॉपीराइट नहीं आएगा। अब आपको क्या करना, अब आपको सबसे पहले इसमें फिल्टर ऐड करना है। ये फिल्टर दिया हुआ है, यहाँ से जो भी फिल्टर अच्छा लगता है इस वीडियो के हिसाब से उसको एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद नीचे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट, यहाँ पे एडजस्टमेंट ब्राइटनेस है, इसको कम ज़्यादा आपको वीडियो के हिसाब से कर देनी है। कॉन्ट्रास्ट है, इसको भी वीडियो के हिसाब से जो सूट होता है उसके इनेबल आपको कर देना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है कि वीडियो के अंदर हमारा लोगो ऐड कर देना है। लोगो हम वीडियो के अंदर कैसे ऐड करेंगे आपको पता नहीं है, तो ये लेयर है, इस लेयर पे आपको जाना है और ये नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको या अपनी चैनल का नाम डाल देना है। मान लो कि मेरी चैनल का नाम मुकेश क्रिएटर है तो मैं मुकेश क्रिएटर 2.2 ऐसे ऐड कर दूँगा, या आपको कोने में ऐड कर देना है। इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो ये फॉन्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, इस फॉन्ट पे आपको जाना है और यहाँ पे एंड्रॉइड पे और रोबोट बोल्ड कर देना है। अब इसमें कलर चेंज करना चाहते हैं, ये कलर है रेड ब्लू ग्रीन, जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। और आपको इसकी लेंथ है टेक्स्ट की, इसकी वीडियो के बराबर आपको कर देनी है इस प्रकार से।
अब आपको क्या करना है, यहाँ तक तो इम्पोर्टेंट सेटिंग हो गई है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, दो तीन बार देखना है, और देखने के बाद इसकी स्टोरी है उसको आपको रीड कर देना है, या तो उसको अपनी कॉपी में लिख देना है और उस स्टोरी को आपको फिर से वॉइस ओवर करना है। वॉइस ओवर कहाँ से करोगे, ये REC रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर जाना है, रिकॉर्डिंग आपको कर देना है, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग डालेंगे तो स्ट्राइक की थोड़ी संभावना रहेगी। हमें इस रिकॉर्डिंग को, कहानी को हमारे नोटबुक में रीड कर देना है या लिख देना है, फिर आपको यहाँ से रिकॉर्ड करके ऐड कर देना है, जिससे आपके कॉपीराइट बिल्कुल नहीं आएगा और ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा और पॉपुलर में जाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा किसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो पूरा वॉच करके ही उसको छोड़ते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस वीडियो को जाना है वीडियो के अंदर, और यहाँ पे मिक्सर पे जाना है और मिक्सर को जीरो कर देना है, फिर आपको यहाँ से ऐड कर देना है। अब आपको यहाँ से सेव करना है। सेव करने से पहले, आपने अभी तक भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको अंदर वॉइस ओवर करने का भी बता देता हूँ, आपको पता नहीं समझे तो आप, यदि आपके पास कोई कहानी बनाई हुई है तो ये ऑडियो है, यहाँ पे ये इस ऑडियो पे जाना है, और यहाँ पे सॉन्ग पे और कार्टून बैकग्राउंड म्यूजिक नो कॉपीराइट, और इस प्लस पे टैप कर देना है और ऐड हो जाएगा। देखिए मैंने इसमें साउंड थी उसको ऑफ कर दिए और दूसरा बैकग्राउंड डाला है म्यूजिक नो कॉपीराइट वाला, देख सकते। इस प्रकार से आपको कोई स्टोरी डालनी है, मैंने केवल आपको समझाया है कैसे डालते हैं वो। अब आपको यहाँ से सेव कर देना है, यहाँ से जो भी आई लो क्वालिटी रखना चाहते हैं उस क्वालिटी से आपको सेव कर देना है, और सेव करने के बाद मेरी चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक कर देना है।